ये हमारा न्यूट्रल आया जो इस ओवरलोड से होता हुआ, न्यूट्रल यहाँ और इस ओवरलोड से होता हुआ इस हमारे वाइंडिंग में, और यहाँ से इस फील्ड से होता हुआ इस कार्बन में। और इसके इस वीडियो में हम लोग इस मिक्सर ग्राइंडर को रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम क्या है, तो इसके लिए हम इसको ऑन करते हैं। यहाँ से इस स्विच को हमने ऑन किया और यहाँ हम सिस्टमेटिक एक एक स्विच को ऑन करते हैं। ये फर्स्ट हमारा है स्पीड जिससे ये वर्क नहीं कर रहा है, पर इसी तरह से फर्स्ट स्पीड पर ये बिल्कुल नहीं काम कर रहा। इसके लिए ये दूसरी न्यू स्विच हम यहाँ पर इसकी जगह लगाएंगे, लेकिन स्विच के रिप्लेस करने के साथ ही साथ हम इसकी कंप्लीट वायरिंग को भी समझेंगे कि इसके अंदर किस तरह से कनेक्शन होता है। इसके लिए सबसे पहले हम इसके कवर को निकाल लेंगे और प्लग को भी यहां से रिमूव कर लेंगे। मुस्कान निकालो तो प्लग। यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं कि ये मेन लीड वायर आया हुआ है और इस लीड वायर से एक हमारा फेस है और एक ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का जो वायर है वो सबसे पहले इस ओवरलोड स्विच में गया हुआ है। अगर ये ऑन होगा या ऑन पोजीशन में होगा तो यही न्यूट्रल हमारे एक साइड के इस कॉइल में चला जाता है, यानी एक साइड का जो हमारा कॉइल है उसमें ये इंटर करेगा और फिर यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीट करने के बाद जो यहाँ का आउटपुट है वो हमारे इस कार्बन से होता हुआ, आर्मेचर से होता हुआ दूसरी तरफ की कार्बन में आता है और फिर यही चीज़ इस पूरे कॉइल को कंप्लीट करता है। और इसके बाद ये तीन अलग अलग स्पीड से बाहर निकलता है और ये तीनों स्पीड इस सेलेक्टर स्विच पर कनेक्ट होती है जिसके कि एक पॉइंट पर डायरेक्ट फेस आया हुआ होता है। हमारी इस स्विच में एक पॉइंट काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम इस स्विच को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर ये टेपिंग है, इसे हम कट कर लेंगे। सबसे पहले इस वायर को हम ब्रेक कर लेंगे। एक हमारी स्पीड ये है, ये हमारी येलो है, एक स्पीड हमारी ये है और ये सप्लाई का वायर है, इसे भी हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। इसकी जगह पर हम इस स्विच को यहाँ पर बैठा लेंगे। तो स्विच को बैठाने के लिए हम यहाँ लगा लेंगे और ये देखेंगे कोई वायर अगर छोटा हो तो वायर को हम लंबा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें थिम्बल के लिए जगह दी गई है तो हम इन वायरों में थिम्बल लगा लेंगे। इस वक्त ये फेस के लिए हम लोगों ने थिम्बल लगा लिया है और इन तीनों स्पीड के भी थिम्बल को हम लोगों ने चेंज कर लिया है। अब यहाँ पर इस सेलेक्टर स्विच को इस जगह हम लोग फिक्स कर लेंगे और फिक्स करने के पहले हम इसकी वायरिंग को समझ लेते हैं कि ये किस तरह से है। और ये वायरिंग समझने के लिए ये हमारी जो मोटर है इसमें दो फील्ड है, एक इस साइड में है और एक इस साइड में है, जिसे हम यहाँ कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर लेते हैं। ये हमारी एक फील्ड है और ये हमारी दूसरी फील्ड है जिससे हमें अलग अलग स्पीड के वायर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे स्पीड के वायर हैं और जबकि ये हमारी मेन लीड है और ये हमारी मेन लीड ये है। हमारे पास एक फेस है और एक न्यूट्रल है। इसमें हमारे पास जो ओवरलोड की स्विच लगी हुई है ये वाली, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि सबसे पहले इस न्यूट्रल के कनेक्शन को सीधा ओवरलोड में दिया गया है और ओवरलोड से निकल के ये एक फील्ड में चली जा रही है और यहाँ से
ये चीज़ चली जा रही है इस कार्बन में, यहाँ पर इस जगह ये फील्ड से निकल के इस कार्बन में जा रही है, और फिर जो दूसरा वाला कार्बन है वहाँ से जो निकल रही है वो इस जगह एंट्री हो रही है, इस जगह से यहाँ इस फील्ड में चली गई और इस फील्ड में चली गई, और यहाँ से ये जो वापस आया है स्पीड, ये हमारी इस सिलेक्टर स्विच में जो स्पीड के वायर का जगह है उस जगह एक एक पर हम स्पीड के हिसाब से दे देंगे इन तीनों पॉइंट पर, जबकि यहाँ पर हमारी ये मेन फेस की सप्लाई आएगी इस जगह, यानी हमारा ये जो फेस है न्यूट्रल तो हमारा इस जगह इस फील्ड से गया, और ये यहाँ से होता हुआ आर्मेचर से इस जगह इस फील्ड में एंट्री करेगा, और ये फिर अलग अलग स्पीड है जहाँ पर हम इस जगह फेस सप्लाई को दे देंगे। इस तरह से ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट होगा। तो हम ये सबसे पहले इस स्विच को टाइट कर लेंगे, ये हमारा न्यूट्रल आया जो इस ओवरलोड से होता हुआ न्यूट्रल यहाँ, और इस ओवरलोड से होता हुआ इस हमारे वाइंडिंग में, और यहाँ से इस फील्ड से होता हुआ इस कार्बन में, और इस कार्बन से होता हुआ इस फील्ड में, और इस फील्ड में ये अलग अलग स्पीड है। तो सबसे पहले हम स्लो स्पीड को कनेक्ट करेंगे, और फिर हम मीडियम स्पीड को कनेक्ट करेंगे, इस स्पीड पे कनेक्ट करेंगे, और ये हमारी जो फेस है वो हम इसे इनकी जगह पर कनेक्ट कर लेंगे। इस तरह से ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।